सो ये वीडियो बन रही है लास्ट वीडियो के लगभग एक हफ्ते बाद। जहाँ तक मुझे याद है मैंने डे 9 अपलोड किया था लास्ट, और उसके बाद एक हफ्ते बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीसी ख़राब हो गया था तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इस चक्कर में कि अपलोड कर नहीं पाऊँगा। बट आज एक हफ्ता हो गया है, और अपडेट ये कि आज आपको थोड़ी एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी देखने को। तो मैंने शूट करी है आज थोड़ी सी एक्सरसाइज की वीडियो, बट ये कि एक हफ्ते में जो चेंजेस आए हैं वो मैं आज फटाफट बता देता हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली सबसे बड़ा चेंज, थोड़ी सी आनी शुरू हो गई है जो कि सही है, और उसके बाद जो जॉगिंग डिस्टेंस है, जॉगिंग का जो पूरा अपना टाइम रहता है वो बढ़ गया है, और बैंड का स्टेटस अभी आपको दिख जाएगा। दूसरी बात कि जब जॉगिंग का टाइम अब बढ़ गया है तो मैंने नोटिस किया है कि जॉगिंग करने के बाद एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं होती, तो एक्सरसाइज कम हो पा रही है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि जॉगिंग करूँगा सुबह, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, बाकी शाम को एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट करूँगा मैं, और उसमें एक्सरसाइज करूँगा। दूसरी बात, अब मैं वीडियोज़ डालूँगा अपने पूरे डेली रूटीन की भी, कि मैं क्या खाता हूँ, कितने अमाउंट में खाता हूँ और कैसे चल रहा है सब कुछ। बाकी अगर खाने की बात करूँ तो जब मैंने वीडियोस की शुरुआत में ही बताया था, जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, कि कोई भी डाइटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, बस घर का जो भी खाना है वही खाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब जैसे कि 2 हफ्ते बीत गए हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो फूड अमाउंट मैं ले रहा था अभी तक घर के खाने की, उसमें थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि 2 हफ्ते बाद थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि वेट लॉस पे सही रहे, क्योंकि डाइटिंग मेन की है आपके वेट लॉस की। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, चाहे वेट गेन के लिए चाहे वेट लॉस के लिए, जो आपका फूड होता है वो 90% इम्पैक्ट डालता है मेरे हिसाब से। तो मैं शूट करूँगा अपना, मतलब जो भी मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, किस अमाउंट में ले रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, और फिर वो चैनल पे भी दिखेगा और इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। इंस्टाग्राम पे जल्दी अपडेट आ जाती है क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन से अपलोड हो जाती है, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको मिलता रहेगा डिस्क्रिप्शन में, है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे, ताकि जल्दी जल्दी आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो अभी आज के लिए इतना ही। तो लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीने बाद वेट मेज़र करेंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बैक पेन ठीक है, बैक पेन की एक्सरसाइज का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो एक्सरसाइज मैं करता हूं अपने बैक पेन के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एक डेली रूटीन पे। थैंक यू।